नमस्कार दोस्तों, रुपेश बंसल आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूं। खबर तरन तारण से आ रही है। यहां के गांव पंडोरी रण सिंह में एक विवाहिता को ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। विवाहिता का आरोप है कि ससुराल वाले उससे लगातार दहेज लाने की मांग कर रहे थे। हमारे संवाददाता सागर दीप अरोड़ा व पवन कुमार द्वारा यह लाइव तस्वीरें हमें तरन तारण के सिविल अस्पताल से भेजी जा रही है। यहाँ पर विवाहिता को भर्ती किया गया है। आरबी लाइव मीडिया पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मेरे सहुरा परिवार 7 साल तो मेरा विआह होया, हमेशा ही मैनू कोटक कटापा करते रहते। हूँ उन्हें पहली खरीदी ही ओदी रजिस्टरी करवानी, उन्होंने अड़ी है। मेरे डैडी जॉब करते रहे, उन्होंने आते कि मैनू आते वो 5 लाख रुपया लैके आ। मेरे 5 लाख रुपये डैडी कहते कि नहीं है, इस गलों मैं रोज़ कुट मार होंगी। हूँ फा दे के मारते लगे ननान मेरी, मेरा घर वाला, मेरा सहुरा, कितने मैं फा दे लगे ही। पीगा मेरे बेटे की वो मैं फा दिता, नाल कुट कटापा किया, बहुत ज़्यादा मारिया। मैं मां छोटे छोटे के 2-3 दरवाजे भी खड़काए हैं, पर किसी ने बुआ नहीं खोलिया। दोपहर का टाइम ही गा, फिर कहते मैं मोटरसाइकिल से बह के भट्ठे तक गई। गाड़ी मेरे पापा मिले, वो मैनू लैके आए हैं। मेरा बेटा भी उन्हें रख लिया वा। की तुहाडा नाम की है? रणजीत कौर। कितना पिंड तुहाडा? पंडोरी रण सिंह। कितने देर हो गए घर? 7 साल हो गए, 8वां चलता पिया। बेटा दी कितनी उम्र? हाँ जी, बेटा दी उम्र कितनी है? 6 साल। बस पैसे मंगते, दाज मंगते कि हाँ पैसे ले आ, तेरे पापा जॉब करते हैं, बस पैसे ले आ, बस सानू और कुछ नहीं चाहिए। यही छित्र बदौला इसे गल ही होंगे कि बस सानू पैसे चाहिए। मैं कोई खर्चा नहीं दिता जाता, तो तू अपने पिकिया घरों लिया। मेरे बच्चे की कोई फीस नहीं दी जाती, वो मेरे पापा देंगे सारा खर्चा हाँ उन्होंने। पैसे भी मंगते ननान मेरी, आती तेन रहन नहीं दिता जाऊगा। हूँ भी मेरा बेटा नो ला लिया कि जब 5 लाख लियाएगी फिर बेटा दिता जाओ, नहीं तो नहीं देवगी। हाँ जी दीदी, कल दीदी जी तू कोट कटापा करके मैं अपने पेके घर आई, फिर दीदी। फिर तू पहला भी कभी झगड़ा होया? हाँ जी होया, 2-3 बार। कभी थाने कंप्लेंट की थी? हाँ जी की थी, मेला मंडल की थी वुमेन सेल। हाँ जी, राजीनामा हो गया। हमेशा जी तू कंप्लेंट वगैरह करती थी, राजीनामा करके लै जाते कि चलो कोई नहीं, हूँ नहीं इंज करते, नहीं मंगते, फिर घर जाते ही मेरा उही हाल हों, फिर कोट कटापा। काम की करते भाई? करते कोई नशा नहीं करते। हाँ जी करते, ड्रिंक करते हो। हम थोड़े की मांगे जी? हाँ जी, हम थोड़े की मांगे जी? मैं ये चाहनी हाँ कि मैं इंसाफ मिले, मेरा बेटा मिले, मैनू जो मतलब कि बनता उन्होंने सज़ा मिले। बस मैं इन्ना तंग किया, 7 साल हो गए, मैं इन्नी दुखी हाँ, मैं इन्ने छित्र बचे हो घर, मैं इन्ने छित्र खा कर। मैं मेरी लड़की जी ब्याई कोई 7.5 साल हो गए। उस टाइम से जो मैं हैगा सी, उस टाइम तक मैं रिटायर होया 11वें महीने च, 12वें तो यदा मैं विह किया लड़की का जी। उदो जिन्ना पैसा वो ही तो जो मैं अपनी नौकरी के टाइम ज बाई चो पाया कोई 28-27 लाख रुपया मैं ये विह ने लाया, अपने अशीर तो वह पैसे खर्चा किया। पिंड? हाँ जी, पंडोरी रण सिंह, धर्मिंदर सिंह पुत्र भुपिंदर सिंह नाम। पर पहले दिन ही जितने मेरी लड़की गई, इन्ना खर्चा करने बावजूद ही यदि सस ने फ्रिज के उत्तों जी चादर ला के आँदी आ विखाला विछाला पहले दिन ही, कि अपने पेकों को लिया के सब कुछ वरतना तो मैं नहीं कुछ भी देना, पहले दिन ही ये गल हुई। मुड़ के जो आखन लगे तेरे प्यो की पिंसल साढ़े घर आनी चाहिए, यदि कुट मार कुट मार जे वो कर दें। कि घटो घट 2 वारी तो महिला मंडल च होया जी, 2-3 वारी ये पत्योरे का मुंडा कृपाल सिंह जी, उन्हें तो पता ही नहीं किन्नी घर बेचारा बेच आ रहा है जी। पर इतों लै जाते मुड़के जिन्हें यदा ब्याही आ जाए सहुरा सस जाए यदि ननान उ वतीरा रखते घुट मटार तो चंगे भले होंदया भी इनू आखना भी हूँ तो लड़की का की घटना वापरी है? हूँ वट मेरी है जी, लड़की मेरी आते ही भी इन्हों पैली ले बयाना किया पैली का भी बैक करवानी आ। मेरी लड़की आते 5 लाख रुपया लैके आ, मेरे को है नहीं, तो इस कारण ये लड़ते रहते ही कहते जे नहीं लिया तो निकल जा, इनू फाह दे के मार देने लगे थी। पहला तो ये सहुरा तो ननाम ने इनू फाह दिता ही घर की पाई है हार जे च कोठी पही है वो हाथ च पी गए वो फाह दे रहे ही। फिर ये घर वाले को टीका लागे करपाल सिंह जी मोदी ने फोन वो आया तो वो भी इनू टक्कर टी उन्हें कोई कसम नहीं छी, तो सारे कहते इनू हम मार ही दौ खत्म करते।
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣ ਡਈ ਆ, ਮੈਂ ਪਟੋਲ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੱਠੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਲੀ ਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਸਬਜ਼ੀ, ਵੇਖੋ ਧੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਤੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ? ਕਿਹੜੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਬਾਲ ਥਾਣਾ 'ਚ ਰਬੜ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਪੰਡੋਰੀ ਰਣ ਸਿੰਘ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਥਾਣਾ ਚਬਾਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਰ। ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਊਗੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।